का क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन पे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगी कि मोल फ्रैक्शन को हम काई से दिखाते थे, और मान लो सपोज हम जिस भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, सबके जो है मोल्स का सम। ठीक है, तो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और इस क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी का भी यूज है। तो जो हमने मोलैलिटी पे क्वेश्चन किए, नॉर्मैलिटी पे किए हैं, तो ये जो हमारा दो टॉपिक रह गया था मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, उसके लिए बेटा एक क्वेश्चन नोट डाउन करो जो कि आपको अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद हम थोड़े हायर कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ए पार्ट है मोलैलिटी, एंड बेटा बी पार्ट है मोल फ्रैक्शन। तो इसने आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है बेटा, इंफॉर्मेशन ये दी है कि आपको जो है इंफॉर्मेशन में दिया है कि जो डेंसिटी है वो 20% है और आपका सॉल्यूशन किसका है, एक्वस के आई, एक्वस के आई यानी पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है वाटर में, वाटर आपका सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपका के आई है। ठीक है, और इसकी बेटा सिर्फ डेंसिटी दी है 20% मास, इसकी डेंसिटी है बेटा, इसकी जो डेंसिटी है वो है बेटा 1.202 ग्राम पर ml। देखो बेटा बहुत सिंपल हो गया है, डेंसिटी दी है 1.202 ग्राम पर ml और इसका ये जो मास बाय मास जो इसका कंपोजिशन है, कंसंट्रेशन है, वो मास बाय मास है, यानी 20% मास है इसका, 20% कंसंट्रेटेड है, यानी 20 ग्राम ऑफ के आई इज डिसॉल्वड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। सो 20 ग्राम ऑफ के आई इज डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो दिस यू हैव टू नो एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Density is given to you and mass of solute is given to you. Very simple question. All of you attempt this part. After this, you'll be solving numericals from NCERT. And the next topic we are going to do is solubility. Can any one of you tell me what do I mean by solubility? See, tendency of any substance to get dissolved in the given solvent. किसी दिए हुए solvent में कितने extent तक हमारा soluble हो जाए, उसमें घुल जाए, उसमें dissolve हो जाए, ये उसकी solubility होगी। तो अगर ये solubility एक phenomena है तो इसको कुछ factors affect भी करते होंगे, temperature affect करता होगा, concentration of the solute affect करता होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट करता होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट करता होगा। ठीक है, और इस तरीके से और क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, बाकी जो हमारे एटमोस्फेरिक पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, ठीक है, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये जो है ना पीटी एंड एन जो हमने इलेवेंथ में था अच्छे से, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं पीवीटी एन, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। आपने कुछ चीजें देखी होंगी कि वाटर में जो है कुछ सब्सटेंस को बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत कम, बहुत ही हल्का सा डिसॉल्व होते हैं, बाकी पूरा का पूरा अनडिसॉल्वड स्टेट में ही रह जाते हैं। जैसे आपने सैंड सॉल्यूशन, जैसे आपने सैंड इन वाटर देखा है, सॉल्ट इन वाटर देखा है, शुगर इन वाटर देखा है,
चौक का पाउडर इन वाटर देखा है, तो ये सब क्या है? आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी का इन लोगों का जो है एबिलिटी है. तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए, हाउ विल वी डिफाइन सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन कंडीशन. सो ठीक है, आपके सॉल्यूट का कितना अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोर्स. तो उसके बाद क्या होता है बेटा, इसका यूनिट, बेटा यूनिट क्या होगा हमारे सॉल्युबिलिटी का? तो हमारा यूनिट क्या होता है, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सॉल्युबिलिटी क्या होता है हमारा, कि किसी गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की क्वांटिटी हम किस में लेंगे बेटा, या तो हम ग्राम में लेंगे या मोल्स में लेंगे, ठीक है. तो हमारा जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी को हम या तो ग्राम में ले रहे हैं या फिर हम मोल्स में ले रहे हैं. दैट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, हमारा जो सॉल्वेंट है उसका हम कितना ले रहे हैं वॉल्यूम, 1 डेसीमीटर क्यूब. आपको मैंने बताया था ना, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वलेंट टू 1 लीटर. तो यानी 1 लीटर में आपके सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको जो है हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. तो बेटा सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. एक और चीज आपको बेटा बता दूं कि जो सॉल्युबिलिटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन की हमने बात करी थी वो भी हमें बताता है. मोल फ्रैक्शन यानी जब हम गैसियस सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन में बताता है कि उसके कितने मोल्स जो है उस सॉल्यूशन में डिसॉल्वड हैं. तो ये सब चीजें हमें बहुत अच्छे से समझना है इस वाले चैप्टर में. और अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होती है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको जो है अफेक्ट करते हैं. वन मोर थिंग इन दिस वेरी स्मॉल टॉपिक, सब टॉपिक यू कैन से, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट हैपन्स, what happens actually in the dissolution process. So we can understand it, what are the kinetics involved. Dissolution hota kaise hai, aap se cheeze ghulti kyun hai. Maine NaCl dala, theek hai, water mein, to ye jo hai like dissolves like. लेकिन वाटर में नहीं घुलता है, ठीक है. ये जो हमारा चौक है, ठीक है, ये हमारे पानी में जो है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है या ये सब चीजें पानी में इतने अच्छे से नहीं घुलती हैं, ठीक है. तो आखिर क्यों ये सब डिफरेंसेस क्यों है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इंटरैक्शन, आपको समझना पड़ेगा इंटरैक्शन, ठीक है. या मान लो कि ये जो है क्या करता है, पानी में जाके क्या बना देगा. सपोज करो इसने बना दिया आपका कुछ इस तरीके से, तो फिर ये तो भाई पीपीटी बन के बैठ जाएगा, पानी में तो घुलेगा नहीं, ठीक है. तो ये सब किस चीज पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है बेटा इंटरैक्शन. इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपका सॉल्यूट बी है और सॉल्वेंट ए है, ठीक है, सॉल्यूट बी है सॉल्वेंट ए है, तो इंटरैक्शन होंगे. कैसे इंटरैक्शन होंगे, बी का बी के साथ और ए का ए के साथ इंटरेक्शन है. तो बेटा क्या होगा, कोई चीज डिसॉल्व तब होगी जब बी के बी इंटरेक्शन से, ठीक है, ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर ना हो. मतलब अगर मान लो ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग है, अगर स्ट्रॉन्गर है तभी तो भाई इस वाले बॉन्ड को तोड़ के वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है. या ए ए के इंटरेक्शन से अगर ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग है तब जाके वो जो है उस चीज को अपने अंदर घोलेगा. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब कोई एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो या ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन हो रही होगी, तब जो ये पूरा एनर्जेटिक्स है, जब भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होता है वही इन्वॉल्व होता है डिसोल्यूशन में. तो बेटा ये जो NaCl है, ठीक है,
NaCl का दूसरे NaCl के इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है NaCl का वाटर के साथ, क्योंकि ये जो है क्या करता है, इसको सोल्युबलाइज कर देता है, इसको आयंस में डिसोसिएट कर देता है। तो ये तो था कि एनर्जेटिक, आखिर डिसॉल्व कोई चीज होती ही क्यों है। तो बेटा आपके कंपटीशन में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं कि भाई अगर ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग है ए ए से, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा, होगा। लेकिन अगर ए बी का इंटरेक्शन लेस देन है ए ए से या बी बी से, तो ये रिएक्शन, ये सॉल्युबिलिटी नहीं अकर होगी, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो पूछा जाता है, जो भी चीजें एनर्जेटिकली फेवरेबल होती हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी नेगेटिव, लेस देन जीरो। तो अगर नेगेटिव होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा लर्न होगा ये चीजें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। गुड। अब बेटा हम एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चल रहे हैं कि हमने ये देखा कि व्हाई इट ऑकर्स। सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो हमने देखा कि एक्सटेंट, ठीक है, कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने देखा वो चीज। या हमने दूसरे तरफ में समझा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ ऑफ द सॉल्वेंट। तो जब हमें ये चीजें समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी क्या है, फिर हमने सीखा कि सॉल्युबिलिटी होती क्यों है, तो वो इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है और रिएक्शन के एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो भाई वो रिएक्शन होगा, फेवरेबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि चलो कुछ हम स्पेसिफिक कंडीशन में देखते हैं कैसी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम ये क्यों देख रहे हैं भाई, ये देखने का सबसे बड़ा पर्पस है, ये हम बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमने सॉलिड को ही लिक्विड में डिसॉल्व किया है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे अच्छे से और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेट मी चेक कि हेनरीज लॉ कहाँ पर, या ओके। तो अब एक बात बताओ, कैसा रिएक्शन होता है बेटा जब भी कोई सॉलिड, ठीक है, सॉल्यूट, जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होता है और ये सॉल्वेंट में जाके मिक्स होता है, तो रिजल्टिंग जो स्पीशीज होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में होमोजीनियसली मिक्स हो जाए, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सिंग है, हेट्रोजीनियस है, तो फिर हम उसको सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, ठीक है, फिर हम उसको सस्पेंशन कहते हैं या कोलॉइड कहते हैं। तो वो हमारे अगले चैप्टर में होगा, फिफ्थ में। उसके बाद बेटा एक टर्म आता है, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा सैचुरेटेड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि भाई किसी चीज की जितनी कैपेसिटी थी, ठीक है, उतना ही जो है, मान लो कि भाई 100 ग्राम वाटर में अगर हमें पता है कि सिर्फ जो है मैक्सिमम 80 ग्राम ही NaCl घुल सकता है, ठीक है। अगर मान लो मैं कहती हूँ 1 dm³ वाटर में सिर्फ 2 moles ही NaCl घुल सकता है, तो भाई अगर आप 2.5 दे दोगे, 3 दे दोगे, 4 दे दोगे, तो उसमें जो है वो अनडिजॉल्व स्टेट में ही रहेंगी, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कि व्हाट इज दिस, दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, द सॉल्यूशन विच कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर सॉल्यूट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। एंड अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा ध्यान से, जब हमारा सॉल्यूशन और ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व ना कर पाए अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो हमारा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा देखो, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की वॉल्यूम ले लो 1 dm³ और सॉल्यूट की क्वांटिटी ले लो मोल्स में, तो यानी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट
which can be dissolved in 1 dm³ of the solvent, that will be called solubility. ठीक है, तो ये जो solubility होती है ना, ये बेटा आपको एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो लिमिट होता है वही वो आपको बताते हैं कि भाई अगर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है क्या है, मान लो 50 ग्राम है इन 1 dm³, तो समझ जाओ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको 50 ग्राम वे करके डालना पड़ेगा, और अगर आपने 55 दे दिया ना, तो वो जो है सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी क्योंकि उसमें डिजॉल्व हो नहीं सकता। तो आपको समझ में आया, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हम एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए वे करते हैं क्योंकि वो चीज़ें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हो चुकी हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका बनाने के लिए उसमें इतने क्वांटिटी के सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो है उतना ही ऐड करना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा या उससे कम करोगे तो अच्छा क्रिस्टल नहीं बनेगा। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के कॉजेज, तो बेटा ये हाइड्रेशन और अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डिपेंड करता है। तो बेटा देखो, वाटर है आपका, सपोज वाटर की बात अगर मैं करूँ तो इसके पास डाइपोल्स है। ठीक है, इसके पास डाइपोल है, और NaCl की बात करूँ तो इसके पास आयन्स हैं। तो बेटा आपने एक नाम सुना होगा कि जब आयन डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसकी वजह से NaCl जो है वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कॉजेस तो बोल देना कि देर आर वेरियस attractive forces playing the role in the dissolution, in the solution process. Why something is dissolved? Because of some attractive forces. That can be ion dipole, that can be ion-ion, that can be non-bonded interaction of van der Waal forces or London forces. ठीक है, but वो जो होती हैं काफ़ी weak attractive forces होती हैं, और उसके solution की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कि हाइड्रेशन भी तो, हाइड्रेशन एनर्जी भी तो रोल प्ले करता है। बिल्कुल करता है, मतलब किसी चीज़ को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करो तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो यानी वो चीज़ पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। अच्छा, अब हम बेटा करते हैं फैक्टर्स। मैंने कुछ फैक्टर्स के आपको नाम बताया जो कि डिसोल्यूशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ हैं नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। भाई बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ तरीके के सॉल्यूट दूंगी एंड यू हैव टू से, जैसे सपोज एक टाइप है NaCl, एक टाइप है CCl4। ठीक है, दोनों में क्या अंतर नज़र आ रहा है? एक हमें नज़र आ रहा है आयनिक है, और एक हमें नज़र आ रहा है कि कोवलेंट टाइप है। तो बेटा हमेशा एक चीज़ याद रखना, नेचर ऑफ सॉल्यूट बहुत मैटर करता है कि वो किस चीज़ में जाके घुलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है लाइक डिजॉल्व लाइक, इसको आप याद कर लो, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो बेटा देखो, ये जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है, ये जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे। देखो बेटा, एक्वस, एक्वस में क्या है? डाइपोल है। वाटर में क्या है बेटा? डाइपोल है। ठीक है, तो वाटर में जो हमारा डाइपोल है, ठीक है, इसके पास डाइपोल है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। तो यानी कुछ अगर ऐसी चीज आ जाए जिसके ऊपर चार्ज का सेपरेशन है तो वो इसके अंदर बहुत आसानी से घुल जाएगा। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव वाले के पास जा सकता है, और नेगेटिव पार्ट जो है पॉजिटिव वाले के पास आके इसमें जो है एक इंटरमिक्सिंग हो सकती है, और काफ़ी सारे जो स्पेसेस होते हैं उसमें जाके ये स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, एक और बात आती है कि जो ये हमने बोला कि CCl4, ये जो हमारा कोवलेंट टाइप था बेटा, इसमें हमारे डाइपोल्स नहीं जनरेट होते हैं, नहीं होते हैं जनरेट, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री देख लो आप, तो ओवरऑल जो है इसकी जो है कोई भी डाइपोल मोमेंट है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर चीज़ें अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें जाके घुलेगा, और जो कोई पोलर सॉल्वेंट है, पोलर
अगर कोई पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में जाके घुलेगा। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि लाइक डिजोल्व लाइक। अगर आपसे पूछा जाए ये रहा NaCl, ठीक है, ये रहा भाई KNO3 और ये रहा भाई CH2, और आपको सॉल्वेंट दिया है क्या वाटर, तो बताना जरा इसमें कौन सी चीज डिजोल्व होगी। NaCl NaCl होगी और KNO3 होगी, लेकिन CH2 नहीं होगी। अगर यही आपको दे दिया होता कि भाई वाटर को ना दिया होता, लिखा होता बेंजीन, तो बेंजीन में क्या चीज डिजोल्व होती, ये, क्योंकि वो भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि लाइक डिजोल्व लाइक। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। प्रोसेस देखो बेटा, दो टाइप की चीजें होंगी टेम्परेचर में, और दूसरा होगा जब हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो बेटा देखो, जब एक्सोथर्मिक होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया, अगर कम हुआ, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर रखो, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर रखो, ठीक है। तो आपको बेटा एक चीज समझनी है, जिस जिस रिएक्शन, जो जो रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक लगती हैं, जैसे बेटा सोडियम सल्फेट, बेटा सोडियम सल्फेट को अगर आप वाटर में डालोगे बिना टेम्परेचर के, कम टेम्परेचर पे, तो बहुत जल्दी आपको जो है प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं देगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा आपको ली चैटेलियर के कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि, और आपको एग्जांपल भी याद रखना है कि सोडियम सल्फेट और वाटर का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इस सिचुएशन में लो टेम्परेचर विल फेवर द प्रोडक्ट। दूसरी हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो भाई इसमें जो है एंडोथर्मिक मतलब दैट विल रिक्वायर, उसको आप उसको इंटरनली टेम्परेचर प्रोवाइड करो, दैट विल रिक्वायर द टेम्परेचर। तो फिर क्या बात हुई भाई, अगर वो रिक्वायर करेगा टेम्परेचर, तो आप अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो वो फेवरेबल है उसके लिए, तब वो फॉरवर्ड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है, जो जो रिक्वायर्ड है जिसके लिए, जैसे KCl, KNO3, ये सब क्या है बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप इनके टेम्परेचर को बढ़ा दो तो ये बहुत अच्छे से रिएक्शन आपका जल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आई होप यू आर क्लियर विद। और एग्जाम्पल बेटा सबके वन एग्जाम्पल ईच, ये आपको लर्न करने, ठीक है। अब बेटा एक कर्व देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉल्युबिलिटी कर्व। भाई ये कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है जो पाथवे दिखाए। तो कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कैसे डिजोल्व हो रहा है, उसकी क्या पाथ है, उसको अगर हम ट्रैक करें, ठीक है, तो कैसा कर्व आएगा। तो कर्व हम बनाते हैं किसी के वर्सेस एक्स पे क्या लें, वाई पे क्या लें। तो बेटा जब हम सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाएंगे, तब देखो कि आप लोगों का कैसा कर्व आता है, ठीक है। तो अब बताओ कैसे सॉल्युबिलिटी कर्व अगर हमें करना है तो हमें कुछ कैटेगरीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी कि ऐसे सॉलिड, ठीक है, जिनका जो है टेम्परेचर के राइज होने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आपने घटना आपने कुछ ऑब्जर्व करी होगी, जब हम सोडियम क्लोराइड को ठंडे पानी में डालते हैं तब उसके घुलने की स्पीड, और जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तब उसके घुलने की स्पीड। तो जब सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ने लगती है ना, जब हम हाई टेम्परेचर पर डालते हैं, तो यानी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यानी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहली कैटेगरी है ऐसा केस जिसमें जो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, KCl, NaCl, KNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका कर्व कैसे बनता है, ठीक है। फिर दूसरी हमारी कैटेगरी आएगी, पता है किसकी, ऐसे सॉलिड्स की जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पे कम हो, यानी
जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते थे, यानी इसके एग्जांपल क्या थे बेटा, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लिथियम सल्फेट, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी ऐसी आएगी बेटा कि उसके ऊपर टेम्परेचर का जो है कुछ इतना खास जो है नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ही होगी, चाहे टेम्परेचर कम कर दो चाहे बढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसे हमारे सॉलिड पता है कौन से होते हैं, जैसे जैसे हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, नहीं नॉट वॉशिंग सोडा, जैसे देखो जैसे जिसमें 10H2O, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होते हैं ना, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन, यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जैसे हमारा जैसे वॉशिंग सोडा क्या था, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, अगर मान लो वो तो है नहीं इसमें, तो सोडियम सल्फेट जैसे Na2SO4, तो हमारा क्या था, हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक, लेकिन Na2SO4.10H2O अगर एग्जांपल ले लोगे तो वो फिर ऐसी चीज़ हो जाएगी कि उसके ऊपर टेम्परेचर का कुछ असर नहीं पड़ेगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होनी होगी वही रहेगी, ठीक है। तो चलो बेटा अब हम इसके कर्व देख लेते हैं, और ये बेटा कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं, और पता नहीं अभी तो सिलेबस आया नहीं है कि बोर्ड में पूछेंगे कि नहीं, बट क्योंकि अच्छा टॉपिक है तो इसलिए मैं अभी करा रही हूँ, और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, और जो भी कोई पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिल जाए तो हमारे काम ही आता है। मान लो कि हमने बेटा इस एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी को प्लॉट किया है, और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। और बेटा यहाँ पे रहेगा हमारा क्या, टेम्परेचर, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है। बेटा आप ध्यान से देखना, ठीक है, हमने जो है कुछ चीज़ों के हमें पता होने चाहिए कल, ठीक है। तो जो हमारा बताओ जरा, सोडियम क्लोरेट कैसा था, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर ये बताओ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, किसी को जो है मैं इससे नीचे से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, और किसी को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ये सब क्या बता रहा है, NaCl का जो है मेरा ऐसे है सीधा सीधा, ठीक है, इसका क्या मतलब है इसका। देखो बेटा ये वाला जो है ये है हमारा KNO3, ये भी एंडोथर्मिक है, ये है ये भी हमारा एंडोथर्मिक है, ठीक है, ये भी हमारा एंडोथर्मिक है, ठीक है। उसके बाद एक चीज देखो कि ये एक ऐसा कर्व है जो यह इससे स्टार्ट हुआ कम टेम्परेचर पे, उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये किसका होगा, ये होगा हमारे एक्सोथर्मिक का। भाई टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है लगातार। तो बेटा ये देखो ये सब क्या है, ये तो इसका सैचुरेशन लेवल है कि KNO3 का इतना अमाउंट जो है डिजोल्व हो सकता है गिवन सॉल्वेंट में, इसका इतना हो सकता है, इसका इतना इतना है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको गौर क्या फरमाना है, आपको ये चीज समझनी है कि अगर मेरा कर्व ऐसे जा रहा है, यानी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मेरा कर्व ऐसे जा रहा है तो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है लेकिन इतना ज्यादा राइज नहीं है, लेकिन अगर मेरा टेम्परेचर कर्व ऐसा जा रहा है तो भाई ये तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो। तो बेटा ये आपको ना कर्व रीडिंग आनी चाहिए, यू हैव टू नो हाउ टू रीड अ कर्व, ठीक है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और ये आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हम करेंगे थर्सडे की क्लास में।